पवन और रीता को जैसे ही मौका मिलता है ये सेट पर एक दूसरे से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन लोगों की नजरें आसपास लोगों पर ही टिकी होती हैं, क्योंकि इन्हें डर सताता है कि कहीं इन्हें कोई देख ना रहा हो और ये अपना प्यार कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, कैमरे की नजर में इनका प्यार आ ही जाता है, जैसा कि इस वीडियो में दिखा। एक बार फिर पवन अरु को आंखों ही आंखों में प्यार करते देखा गया। दरअसल हुआ ये कि अरुणिता को अचानक सेट पर छींक आ जाती है और पवन घबरा जाते हैं। पवन अरुणिता की पीठ थपथपाने के लिए उठने लगते हैं और तब पवन के चेहरे की घबराहट को पकड़ लिया जाता है, जो अरुणिता के लिए साफ साफ दिखी। अरुणिता की कितनी देखभाल करते हैं पवन, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। उसी दौरान अरुणिता का कंटेस्टेंट फैज गाना गाने के लिए मंच पर आता है। फैज गाना शुरू ही करता है कि अरुणिता अपने इस कंटेस्टेंट के लिए खड़े होकर चीयर अप करती हैं। अरुणिता इतनी खुश होती हैं कि वो पवन की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि देखो उनके सिखाए हुए बच्चे कितना मस्त गा रहे हैं। पवन से कहती हैं कि फैज क्या गा रहा है, मजा आ गया। अरुणिता की खुशी देखकर पवन भी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और अरुणिता की तरफ आंखें मटकाने लगते हैं, आंखों ही आंखों में प्यार करते नजर आते हैं। वेल, आप इस रोमांटिक जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर पवन अरु की पूरी टीम की शूटिंग का वीडियो सामने आ गया। जी हाँ, पवन अरु और पूरी टीम अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। एपिसोड से पहले इनका लुक फैंस को दिख गया है, जिसमें पवन अरु वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं और अरुणिता तो इतनी प्यारी लग रही थी कि शायद उन्हें लोगों की नजर भी लग गई। वो मंच पर गिरते गिरते बचती हैं। जी हाँ, अरुणिता ब्लैक साड़ी में आने वाले एपिसोड में कहर ढाने वाली हैं। सिल्क की ब्लैक और पर्पल साड़ी ने अरुणिता की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। अरुणिता की साड़ी का डिफरेंट लुक लोगों को खूब पसंद आया। फैंस अरुणिता के लुक की खूब तारीफ करें। अरुणिता की साड़ी का डिफरेंट लुक देखकर समझ पाना मुश्किल था कि ये साड़ी है या फिर ड्रेस है, लेकिन अरुणिता ने साड़ी को इस अंदाज में कैरी किया हुआ है जो उन पर खूब सूट कर रहा है। और अरुणिता इस ब्लैक हॉट साड़ी के साथ हाई हील्स भी पहने दिखी। जी हाँ, अरुणिता को पहली बार इतनी हाई हील्स में देखा गया। हाई हील्स की वजह से अरुणिता अनकंफर्टेबल लग रही थी, पैर को बहुत हौले हौले से आगे बढ़ानी थी कि तभी अरुणिता का पैर साड़ी में फंस जाता और वो गिरते गिरते बचती हैं। लेकिन कहते हैं कि ना जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ अरुणिता के साथ हुआ। अरुणिता गिरती उससे पहले उन तक पवन पहुंच जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अरुणिता के ऊपर जब कोई परेशानी आती है पवन को पहले ही पता चल जाती है। वो मंच पर शूटिंग टाइम में मौज मस्ती करती हैं और कुछ देर पवन के साथ खूब बातें करती हैं। लोग अरुणिता के पास आकर फोटो क्लिक करवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। लाइव वीडियो में पवन अरुणिता की आवाज भी कैद करने के लिए लोग आते हैं। सेट की एक महिला पवन अरुणिता के पास आती है और वो कहती है कि लाइव वीडियो बन रही है, पवन अरुणिता क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो दोनों आने वाले एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखे। दोनों ने फैंस से एपिसोड देखने की रिक्वेस्ट की और अरुणिता का लुक देखकर आने वाला एपिसोड शायद ही कोई मिस कर पाए। तो आप इस एपिसोड को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता की एक वीडियो सामने आई है जिसमें पता चला कि पवन अरु उत्तराखंड से वापस मुंबई आ गए और अपने नए एपिसोड की तैयारी में जुट चुके हैं। कल वाला एपिसोड इनका बेहतरीन गया। अब आने वाले एपिसोड के लिए अरुणिता ने अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। अरुणिता के साथ पवन भी सुबह सुबह सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर पहुंचे और दोनों ने अपनी अपनी टीम के बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। प्रैक्टिस करते हुए अरुणिता की वीडियो सामने आई है। सुबह सुबह अरुणिता मंच पर ट्रैक सूट में दिखाई दी। वो ट्रैक सूट में फैज के साथ मंच पर रिहर्सल करती नजर आई। फैज भी अरुणिता को अपना कैप्टन बनाकर बहुत खुश हैं। वाकई फैज की आवाज को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। अभी से ही कुछ लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि फैज ही सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर बनेंगे। वहीं पवन के कंटेस्टेंट की बात करें तो पवन की टीम की शायशा भी बेहद बिंदास गा रही है। हो सकता है कि शायशा भी विनर या फर्स्ट रनर अप बने। अरुणिता की टीम के फैज और पवन की टीम की शायशा में जोरदार टक्कर देखी जा रही है। दोनों की आवाज जजेस और लोगों को कंफ्यूज कर रही है। कभी फैज की आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं तो कभी शायशा की आवाज सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोनों की कमाल की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे, अरुणिता या पवन किसकी टीम के कंटेस्टेंट विनर बनेंगे? पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की एक बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आ गई है। उत्तराखंड चंपावत में पवन अरु को धमाल मचाते देखा गया। पहले पवनदीप उत्तराखंड में मंच पर परफॉर्मेंस देते देखे गए, फिर खबरें आने लगी कि अरुणिता भी
उत्तराखंड चंपावत पहुंच चुकी। उनका भी पवन के बिना मन नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था और वो दौड़ी दौड़ी पवन के पास उनके घर पहुंच चुकी हैं। वहां दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। दोनों सुपरस्टार सिंगर 2 के कंटेस्टेंट के साथ भी खूब वक्त बिता रहे हैं, एक दूसरे की टीम के बच्चों की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ भी वक्त बिताते हैं। फिर से इनकी जो वीडियो सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए। वीडियो में देख सकते हैं कि पवन पियानो बजा रहे हैं और अरुणिता उनके बिल्कुल करीब होकर बैठी हैं। पवन पियानो बजा रहे हैं और अरुणिता गा रही हैं। पवन चेयर पर बैठे हैं और अरुणिता उनके पैरों के पास जमीन में बैठी हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर बैठे हैं। अरुणिता की नजरें पवन के हाथों को बड़े ही गौर से देख रही हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। इनकी इस वीडियो पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। आप इस जोड़ी से कितना खुश हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में पवनदीप राजन ने इश्क बढ़ता गया गाने में अपनी आवाज दी थी। इश्क बढ़ता गया गाना प्रीत और हिवा नवाब पर फिल्माया गया था और आवाज पवनदीप राजन की ली गई थी। पवनदीप राजन की आवाज इतनी ज्यादा पसंद की गई कि गाना कुछ ही दिन में 3 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। गाने के पीछे की वजह पवनदीप की खूबियां भी है जिसे प्रीत कमानी ने बताई है। प्रीत ने आज पवनदीप को लेकर बड़ा खुलासा किया। प्रीत ने बताया कि जब मैंने इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप को शायद गाना गाते देखा तो वो गाना मेरे दिल को छू गया था और पवनदीप का मैं उस दिन से फैन हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं पवनदीप राजन के साथ काम करूंगा और उन्हें अपने लिए गाने का ऑफर दूंगा। प्रीत के कहने पर पवनदीप ने उनके इस गाने में आवाज दी। पवनदीप ने बखूबी से गाना गाया, उन्हें खूब पसंद किया गया। मैं आपको बता दें पवनदीप राजन अरुणिता के साथ बहुत खुश रहते हैं और बहुत जल्द वो अरुणिता के साथ भी गाना रिकॉर्ड करवाने वाले हैं। हाल ही में अरुणिता ने अपनी एक कंटेस्टेंट की ऐसी हालत बताई थी जिससे वो गुजर चुकी थी। जी हाँ, कंटेस्टेंट मंच पर आते ही कांपने लगती थी, हालत इतनी खराब होने लगती थी कि हाथ से माइक भी गिरने लगता था। बिल्कुल सही सलामत कंटेस्टेंट की ऐसी हालत देखकर अरुणिता समझ जाती थी कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी प्रॉब्लम से अरुणिता भी कभी को गुजर चुकी थी। कभी को अरुणिता को भी मंच पर आते ही घबराहट होने लगती थी, वो भी घबराहट के मारे अपने गाने को कंप्लीट नहीं कर पाती थी। एक तरह से जब किसी इंसान में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन होता चला जाता है तो उसे ऐसी ही घबराहट होती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बीमारी भी नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार इन चीजों का सामना करते हैं तो इस प्रॉब्लम से भी जीत जाते हैं और एक दिन आपके सामने हजारों लाखों लोग क्यों ना आ जाएं और आप बेफिक्र होकर अपनी परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं। अरुणिता के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अरुणिता ने भी अपनी इस परेशानी का काफी टाइम तक सामना किया। आम लोगों की तरह जिंदगी जीने वाली अरुणिता कांचीलाल ने घर में ही अपनी माँ से गाना गाना सीखा था। उन्हें नहीं अंदाजा था कि वो एक दिन अपनी माँ से सीखे हुए गानों को बाहर हजारों लाखों लोगों के सामने गाएंगी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे आसपास के लोगों के सामने गाने गाने लगी और फिर वो छोटे मोटे शो भी करने लगी, लेकिन उन्हें ज्यादा लोगों के सामने गाना गाने में परफॉर्मेंस देने में या इंटरव्यू देने में बहुत घबराहट होती थी, वो बुरी तरह कांपती थी। लेकिन जब से वो इंडियन आइडल के मंच पर पहुंची तब से उनकी ये परेशानी खत्म हो गई है। अरुणिता ने भी जब सुपरस्टार सिंगर 2 की एक कंटेस्टेंट की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने उसकी मदद की, उसे हिम्मत दी। उस बच्ची के साथ खड़ी होकर अरुणिता भी मंच पर गाना गाने लगी जिससे उस बच्ची को हिम्मत मिलने लगी और आज वो बच्ची अरुणिता कांचीलाल की तरह ही बिल्कुल गाना गाती है।